मुझे याद है व्हेन सो देयर वर टू सॉर्ट ऑफ ऑल्टर ईगोस, टू कैरेक्टर्स मुझे निभाना था स्क्रीन पर. वन वाज दैट ऑफ पीटर पार्कर एंड वन वाज ऑफ स्पाइडरमैन ऑफ कोर्स. तो एज स्पाइडरमैन आई हैड टू सॉर्ट ऑफ टू गेट इनटू द कैरेक्टर. मैंने स्पाइडरमैन का मास्क पहन रखा था, तो आई वाज वेयरिंग हिज मास्क एंड डबिंग एंड यू नो व्हाइल डूइंग द एक्शन सीक्वेंसेस आई वाज एक्चुअली मूविंग एंड शाउटिंग एंड यू नो reacting to the hits, and it was like I felt like I was part of the film, like I was fighting as Spider-Man. So it was a very surreal experience. Yeah. Great guys, thank you so much. And now we'll open the floor for questions from our friends in the media. So please, guys, they're all yours. Mr. Shroff. Hi. Yeah, this is Ganesh from Bollywood. Hi. So basically, I'm trying to ask is basically when Andrew Garfield. जब उन्हें अमेजिंग स्पाइडरमैन का के लिए पहली बार वो स्पाइडरमैन सूट पहना था, सो ही एडमिटेड टू क्राइम. सो बिकॉज ऑब्वियसली स्पाइडरमैन इज सच अ आइकन, वी हैव ऑल ग्रोन अराउंड, एंड सो इवन टॉम हॉलैंड हैज सेड दैट कि वेयरिंग द सूट इज समथिंग स्पेशल. सो वाज इट अ वेरी डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस व्हेन यू वर इन दैट डबिंग रूम एंड व्हेन यू वर स्पाइडरमैन? आई वाज आल्सो क्राइंग क्योंकि एक नकाब के पीछे आई कुड हाइड माय टियर्स, सो आई वाज आल्सो क्राइंग आउट ऑफ यू नो जॉय. And it was a surreal experience, and I was really enjoying it. Yeah. Okay, Tiger. मेरा सवाल आपसे है, you know, VO करना. If you can hear my voice, I'm here. You know, एक VO करना और वो भी Spiderman जैसा, you know, जब हम Spiderman की बात करते हैं, पूरी दुनिया जानती है Spiderman के बारे में. तो क्या तैयारियां की आपने? Do you said something just right now? But still, I don't know कि एक VO करना है और उसी में सब acting करनी है, अपने जज्बात बताने हैं. जैसे आपने कहा कि आप मास्क लगा के और पूरी जैसे आपको मार रहा है कोई, उसका भी यू नो उसका भी आप आवाज दे रहे हैं कि आपको लग रही है. क्या तैयारियां करी हैं? डू यू वेंट इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, यू नो, व्हेन गिविंग अ वॉइस? एब्सोल्युटली डिफरेंट. नो, एक्चुअली नो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर. आई वाज ऑफर्ड एंड देन आई वाज कॉल्ड इनटू द डबिंग रूम और तब शुरू हुई थी कहानी. एंड आई थिंक मेरे लिए आसान था क्योंकि यू नो आई हैड अ ग्रेट एक्टर लाइक टॉम हॉलैंड, जो हॉलीवुड एक्टर है स्पाइडरमैन का. You know, I had to just sort of copy him to the best of my ability. और तो मुझे खाली repeat करना था जो वो कर रहे थे, और कोशिश की मैंने to, you know, sort of keep his character alive. जैसे आपने कहा कि आपका यू नो कंटिन्यू ख्वाब पूरा होता रहा स्पाइडरमैन से रिलेटेड, क्या फिल्म का मौका मिले आपको हॉलीवुड में स्पाइडरमैन बनने का, करना चाहेंगे? What is your, do you think the dream come true once you get the offer? जैसे मैं कह रहा था, एक childhood से सपना था and सपना है. तो या आई थिंक इफ आई एवर गेट एन ऑफर आई विल डेफिनेटली डू इट. और मैं ये भी साबित करना चाहूँगा उन सबसे कि यू नो जो कुछ भी स्पाइडरमैन करते हैं मैं भी कर सकता हूँ. और बस और शायद बजट का भी थोड़ा उतना खर्च नहीं होगा क्योंकि मैं केबल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. तो Hi, I'm Anshita from Animation Express. Hi. So my question is that did you have to do any kind of research or study on Spider-Man and Peter Parker's personality for giving the voice? Not really, ma'am. I've been a fan of Spider-Man growing up, and I've seen all the films, and recently I've seen Homecoming as well. So, that being said, I sort of know the characteristics of Peter Parker. And yeah, I just sort of try to keep them intact. What was my first reaction? Oh, I was over the moon, sir. I was over the moon. And I was most happy because I was going to get to see the film as well. So yeah, I was very happy. Who is your superhero from Bollywood? Hrithik Roshan or Jackie Shroff? Tiger? Why? You know, Hrithik, I understand. Why Jackie Shroff? I thought you would ask otherwise. क्योंकि सच बात यह है कि मेरे पापा एक्चुअली इंडिया का सबसे पहला सुपरहीरो थे. शिवा का इंसाफ करके एक पिक्चर थी उनकी 1985 में, एंड दैट वाज इंडियाज फर्स्ट 3D सुपर हीरो फिल्म. सो या ही वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ही इज आल्सो माय हीरो एंड ही इज माय सुपर हीरो. आई मीन एवरी सन्स फर्स्ट हीरो इज देयर फादर आई थिंक और डॉटर. या ओके टाइगर, गिवन अ चॉइस, अगर किसी किसी बॉलीवुड फिल्म का, जहाँ पे हम मैं क्रिश की बात करता हूँ और भी कई फिल्में आई हैं जो सुपर हीरो पे बेस्ड हैं, कोई एक किरदार अगर करना चाहें आपको लगता है कि हाँ ये मुझे, मैं इसका हिस्सा बनना चाहूँगा, तो कौन सी बॉलीवुड फिल्म होगी या कौन सा वो सुपर हीरो जो आप करना चाहेंगे? आई थिंक
अगर महाभारत पे अगर कोई मूवी बनेगी या अगर यू नो हाँ ओ इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट ओके सो आई होप ही इज वाचिंग दिस इंटरव्यू पता नहीं यार आई थिंक हनुमान जी शायद निभाना चाहूँगा मैं या राम या टाइगर यो हाय दिस इज नैरिता फ्रॉम T2 इफ टाइगर श्रॉफ इज स्पाइडरमैन इन रियल लाइफ हु इज हिज मैरी जेन Oh, that's a tough one. Can I say Madhuri Dixit? Okay, sure. Thanks. Hi, Tiger. So, I'm sure we all are really excited for Spider-Man, but there's also a Rambo coming in. And as soon as Rambo was officially announced, all of us was very excited, including the man himself, Sylvester Stallone. Yeah. So, I really want to know, how are you prepping up for the character? What's the most challenging part for this, for playing Rambo? And also, after being part of Spider-Man or Rambo, do you have any plans to do a Hollywood flick in future? As for the prep right now, फिलहाल there is no prep क्योंकि मुन्ना माइकल की promotion चल रही है और उसके बाद I'm getting into Baghi 2 and उसके बाद I have SOTY 2 so Rambo is still far way off but prep will definitely be exhausting physically and mentally खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा expectation है it is you know a cult action film and it is one of the greatest Hollywood legends mark you know so I don't want to replace him, but I'm sort of just paying tribute to him, just borrowing it for a bit. Any plans to enter Hollywood in future? Yeah, I wouldn't mind if I ever get an offer, but right now I'm quite happy with my lineup. How difficult is it? I'm sure it must be very difficult. I mean, mere se 10 guna bade stars have done so much hard work to get there, you know, jaise ki Priyanka Chopra ma'am or Deepika. You know, both of them are such talented heroines and on the top of, you know, their games. And even they have to audition. So, yeah, I'm still a long way off, I guess. Tiger, Nikita from Prepress. I would like to know, Tony Stark is a very sarcastic, very debonair character. So, if somebody from Bollywood would be, you know, chosen to play Tony Stark opposite along with you, who would you choose? Tony Stark... Maybe Akshay Kumar. I think he'd really fit the bill. He's really cool that way, and he's got a great sense of humor. Yeah. Thank you so much.